हेलो एवरीवन, मैं हूं विनोद कुमारी। सात्विक रसोई की एक और कुकिंग अपडेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूं घिया की सब्जी। घिया की सब्जी ज़्यादातर लोग जो हैं वो पसंद नहीं करते, लेकिन आज अगर आपने मेरे तरीके से घिया को बना लिया तो जो लोग घिया नहीं खाते हैं वो भी खाना स्टार्ट कर देंगे। तो आइए सबसे पहले घिये को हम पील कर लेते हैं। घी को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम इसको कट करेंगे। यहाँ पर मैंने किलो घिया लिया है। किलो घिये में जो जो मसाले हम ऐड करेंगे वो हैं एक छोटी चम्मच जीरा, एक छोटी चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच मेथी दाना, चार छोटे टुकड़े अदरक के, 8 से 10 मैंने हरी मिर्च ली है। अगर आप तीखा कम खाते हो तो मिर्च को थोड़ा कम कर सकते हो। थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हींग, स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, और एक सीक्रेट है घीये को टेस्टी बनाने का, वो सीक्रेट है आधी छोटी चम्मच चीनी। तो आइए अब हम तड़का पार्ट कर लेते हैं। घीया को बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने शिशु का कुकवेयर और अभी हम गैस को ऑन करेंगे। और इसमें डालेंगे ऑयल। आप चाहो तो इस घीये को आप देसी घी में भी बना सकते हो और मैं इसमें डालती हूँ सरसों का तेल। एक बड़ा चम्मच मैंने यहाँ सरसों का तेल डाल दिया है। जब तक मेरा ऑयल गर्म होता है मैं यहाँ पर जो अदरक और हरी मिर्च ली है उसको क्रश कर लूंगी। मिर्ची और अदरक को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं डालूंगी इसके अंदर मेथी। अब थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर हींग और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगा घिया। स्वाद के अकॉर्डिंग अब जाएगा इसके अंदर नमक। अब इसको हम अच्छे से मिला देंगे।
जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 के आसपास आएगा तब हम इसको खोल के चेक करेंगे। अब इसी आंच के ऊपर इसको 100 तक आने की वेट करेंगे। तो देखिए हमारी जो नीडल है वो 100 तक जा चुकी है। अब हम इसको वेटिंग टाइम नहीं देंगे और इसको ओपन कर देंगे। अभी ये घिया हमारा जो है वो लगभग 70% पक चुका है। अब हम इसके बीच में मसाले बाकी के ऐड करेंगे। ये जीरा है, जीरा वैसे तड़के में डालना था मैं भूल गई थी, तो अब ये वाला जीरा मैं अभी ऐड कर रही हूँ इसके बीच में। हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच जो चीनी थी वो मैं इसमें ऐड कर रही हूं अब, और क्रश किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। अभी हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम घीये को लिड लगाकर नहीं पकाएंगे, इसी तरीके से भूनेंगे इन मसालों के साथ। अभी थोड़ी सी मैं इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करूंगी। एक बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे जो कलर है ना घी का बहुत अच्छा आता है। और घी को बहुत ज्यादा नहीं गलाना होता है, जैसे कई लोग क्या करते हैं कि प्रेशर कुकर में सीटी लगवा देते हैं और फिर वो घीया इतना वो गल जाता है कि उसका खुद का स्वाद ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैंने 70-80% कुक कर लिया था, अभी 20% जो है इसको मसाले को भूनते भूनते ही ये गल जाएगा, जितना गलाना है की जरूरत है उतना ये गल जाएगा। तभी घिया जो है वो टेस्टी बनता है। अगर इसको हम बिल्कुल गला देंगे, चटनी बना देंगे, तो फिर घिये का स्वाद ही नहीं रहता और फिर कोई भी इसको घिये को खाना पसंद नहीं करता। 4 से 5 मिनट हो गए हैं इसको भूनते हुए और हमारा जो घिया है वो बहुत अच्छे से बनके रेडी हो चुका है। अब मैं गैस को करूंगी बंद और यहाँ मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। ये धनिया हरा धनिया है जिसको मैं गर्मियों में, सर्दियों में स्टार्टिंग में ही धो के वॉश करके अच्छे से उसको सुखा के काट के इसमें डाल लेती हूँ और ये रखा है मैंने फ्रीजर में और पूरी गर्मियां इसको मैं यूज करती हूँ। तो अब हम इसके बीच में डालेंगे हरा धनिया और अब हम इसको डालेंगे सर्विंग बाउल में। ये धनिया को मैं इस टाइप के डिब्बे में डाल के रखती हूँ फ्रीजर के अंदर और पूरी गर्मियां मैं इसको यूज करती हूँ। गर्मियों में क्या है कि धनिया बहुत महंगा हो जाता है, इसलिए मैं जनवरी फरवरी मंथ में ही इसको सेव करके रख लेती हूँ। तो आप मेरा एक वीडियो है धनिया के ऊपर, उसमें जाके देख सकते हो कि धनिया को कैसे मैंने रखने के लिए बताया हुआ है। तो देखिए घिये की बहुत ही अच्छी डिश बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे तो भाई घिया बहुत ही ज़्यादा पसंद है। आप लोगों को घिया कैसे लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जो लोग घिया नहीं खाते हैं वो मेरे तरीके से घिया बनाकर ज़रूर देखें और बताएं कि आपकी डिश ये कैसी बनी है। इस घिये को आप चपाती, परांठा, राइस के साथ खा सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।